लोग कहते हैं बेटी हो या फिर बहू, वो घर को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। इस कहानी पर मेकर्स को फिल्म बनानी ही चाहिए, क्योंकि इस कहानी से जितना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार मिलेगा ना, वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने के पार्ट वन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। दीनदयाल अपने आंगन में बैठे थे, तभी उनके दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने बोला कि दीनदयाल तुम अपने बेटे सूरज की शादी कब कर रहे हो, जिस पर दीनदयाल ने कहा कि वो फिलहाल अभी सोच रहे हैं और उनको इंतजार है एक ऐसी लड़की की जो कि उनके घर बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आए और अपने हाथों से इस कुटिया जैसी घर को महल बना दे। सूरज ने बीए तक की पढ़ाई कर रखी थी और वो दिल्ली में एक मामूली क्लर्क की पोस्ट पर काम किया करता था। सूरज एक अच्छा और संस्कारी लड़का था, वो कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता था और एक आज्ञाकारी बेटा होने का पूरा फर्ज निभाया करता था। दीनदयाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और दूसरा बेटा पंकज। पंकज अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग था और वो अक्सर खुद में ही मग्न रहा करता था। फिर उसमें बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, इसलिए जितना खाना वो खाता शायद ही उसके घर में और कोई इतना खाना खाता होगा। ये स्टोरी लाइन मूवी के लिए नई हो सकती है ताकि दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा जागे और वो बहुत रुचि के साथ एंजॉय करे। सूरज अब अपने छुट्टियों में घर आने वाला था और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मौका था दीनदयाल जी के लिए अपने बेटे से शादी के बारे में बात करने का। सूरज आते ही अपने घर के कामों में काफी बिजी हो गया था। सूरज ऐसा था कि वो घर में सबसे घुल मिलकर रहा करता था, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी वो अपना ही मानता था। एक दिन पड़ोसी के काम से वो दिल्ली के बड़े नेता के यहाँ पर गया हुआ था। जब उसका वो काम खत्म हो गया और वो वापस आ गया तो उस नेता ने सूरज के बारे में पता लगाने के लिए अपने आदमियों से कहा, क्योंकि उस नेता को सूरज पसंद आ गया था अपनी बेटी रूबी के लिए। जी हाँ, ये सीन थोड़ा हटके हो सकता है फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाने के लिए। अब क्या था, अब बातें आगे बढ़ने लगी और शादी बहुत धूमधाम से हो गई। जब रूबी अपने ससुराल आई तो वहाँ के रूप में खुद को ढालने में व्यस्त हो गई, क्योंकि रूबी जिस घर से आई थी वो घर नहीं बल्कि महल था और सूरज का घर किसी झोपड़ी से कम नहीं था। फिर भी रूबी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने ससुराल को अपना घर माना और उसके रंग में रंगना शुरू कर दिया। सूरज काम से हफ्ते में सिर्फ दो दिन के लिए घर आता था और जब से उसकी शादी हुई थी वो उस वक्त भी बिल्कुल नहीं बदला था। सूरज भी अपने जिम्मेदारियों की वजह से घर से बाहर दिल्ली में रहा करता था, जिस तरह सनी देओल अपने घर वालों से दूर थे। अब आता है फिल्म का वो टर्निंग पॉइंट जब मेकर दर्शकों को आसानी से उत्साहित कर सकते हैं। एक दिन रूबी कपड़े धो रही थी, जिसके बाद उसे उस कपड़े को प्रेस भी करना था और टाइम पर बाकी सारे घर के काम खत्म करने थे। रूबी ने कपड़े धो लिए और अब बारी थी उसे प्रेस करने की। जब रूबी ने पंकज के कपड़े प्रेस करना शुरू किया था तब उसे याद आया कि गैस पर सब्जी उसने चढ़ा के रखी है, जिसे बंद करने के लिए वो भाग गई और जब उसने वापस आकर देखा तो उसे देखने को मिला कि पंकज का वो शर्ट जल चुका था, जिसके बाद रूबी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शाम हुई, पंकज घर आया और उसने रूबी को वो शर्ट देने के लिए कहा, जिस पर रूबी ने उसे बता दिया कि शर्ट जल गई है और पंकज का गुस्सा फूट गया। उसने रूबी को खड़ी खोटी सुना दी। उस वक्त रूबी ने कुछ भी नहीं कहा, पर वो सूरज का इंतजार करने लगी। आखिरकार सूरज आया, उसे सारी बात रूबी ने बता दी, जिससे कि सूरज ने पंकज को इस हद तक डांट दिया कि पंकज घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था। बाद में पंकज को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और घर से जाने से पहले उसने अपने भैया और भाभी से माफी मांगी और जब वो जाने लगा तभी उसकी भाभी ने उसे रोक लिया और उसे माफ कर दिया। उसे देखते हुए दीनदयाल जी ने कहा कि उनकी जिंदगी की नाव अब पार लग गई है ऐसी बहू पाकर। ये कहानी हो सकती है आने वाले फिल्म अपने 2 की। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।